दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुप स्टडी में आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर सात से और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में बताया गया था जो आपका चैप्टर चल रहा है जो चैप्टर आपका कौन सा है उन्नीस चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं उनमें जो है कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझे थे इसके पिछले वाले वीडियो में और जो है कि एक से लेकर के जो है कि छः तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया भी गया है और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं या प्ले में जाइएगा प्रत्येक दिन का जो है कि वीडियो आपको वहाँ पर जो है कि मिलता रहेगा प्ले में सभी जो है कि वीडियो आपका सेव किया गया है चलिए शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर सात इसके पिछले वीडियो में छः तक देखे थे आप लोग पढ़ भी चुके हैं और हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर सात से ठीक है चलिए कहता है कि चार सात एक्स और नौ का समांतर माध्य सात है तो एक्स कर का मान होगा देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स समांतर माध्य कौन सा माध्य समांतर माध्य जो है आपका कितना है सात है तो कह रहा है कि एक्स का मान फाइन कीजिए ठीक है किसका मान निकालना है एक्स का मान इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं ना एग्जाम्पल में भी ये सब सवाल पढ़ चुके हैं तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग ठीक है कुल पदों का क्या योग अब बाटा में कुल पदों की संख्या कुल पदों की संख्या ठीक है फ्रेंड्स तो कुल पदों का योग सभी पदों को जोड़ दीजिए चार है धन सात है और धन एक्स है धन कितना है नौ है ठीक है आप बाटा में कुल पदों की संख्या संख्या कितनी एक दो तीन चार ये समांतर माध्य दिया हुआ है तो ये नहीं कि इसको भी ऐड कर देंगे आपका कुल पदों का योग पदों की संख्या कितनी है चार है ना इसके बाद समांतर माध्य कितना है भाई सात इसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग करा दीजिए ये हो जाएगा कितना देखिए सात सॉरी नौ सात सोलह हो जाएगा और सोलह और चार बीस हो जाएगा कि नहीं अब बीस प्लस एक्स होगा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एक में तो बीस प्लस कितना एक्स बराबर सात चौ कितना अट्ठाईस फ्रेंड्स हो जाएगा और ये हो जाएगा अट्ठाईस माइनस क्या बीस यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका आठ एक्स बराबर कितना आठ ये रहा आपका एंसर जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर क्या डी ठीक है एक्स का मान पूछ रहा है तो एक्स का मान कितना हुआ आठ क्लियर हुआ चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों ने शेयर भी कर दीजिएगा तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ के तरफ ठीक है प्रश्न नंबर कितना आठ दे, देखिए प्रश्न नंबर आठ में जो पूछ रहा है इसमें ग्राफ बनाया हुआ है क्या आ, इसमें जो है प्रश्न नंबर आठ में ग्राफ बनाया हुआ है ग्राफ बनाकर हम सिर्फ सोल्यूशन करेंगे ठीक है पहले मैं ग्राफ बना लूंगा क्योंकि ग्राफ बनाने में समय भी लगेगा और सिर्फ हम सोलूशन करेंगे इसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स आपको जो है कि प्रश्न नंबर आठ प्रश्न नंबर आठ में का जो है ग्राफ हम यहाँ पर बनाए हैं सिर्फ आपको समझना है समझने में कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल समझ में आ जाएगा देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए करें साठ लड़कों का भार क्रम चार्ट में चार्ट के अनुसार है देखिए भार दिया है किलोग्राम में ये देख रहे हैं सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस दिया लड़कों की संख्या दी गई है दस चौदह अठारह बारह और कितना सोलह चलिए फ्रेंड्स इसमें कह रहे हैं कि माधिका फाइन कीजिए तो चलिए हम लोग आते हैं सांपट पे देखिए जो आपका भार दिया गया है इसको हम लोग एक्स मानेंगे ठीक है भार दिया गया है उसको क्या मानेंगे एक्स और जो ये एफ एक्स और जो आपका जो लड़कों की संख्या दी गई है यह माना जाएगा क्या एफ एक्स आज जो ये सी एफ है इसको हम संचयी बारंबारता बोलते हैं क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता और ये बारंबारता है और ये क्या है संचयी बारंबारता है ठीक है आप लोग जो है पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे इसका जो है कि हम लोग एग्जाम्पल भी नहीं पढ़े थे क्योंकि हम ये वहाँ पर कहे थे जब भी प्रश्न आएगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे ये जो है कि बिल्कुल है कुछ नहीं करना है देखिए आपका ये लड़कों का भार दिया गया है ये लड़कों की संख्या दी गई ठीक है ठीके? ये दो मान आपका दिया गया है लेकिन तीसरा मान हम लोग संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं ये फाइन करना है उसे हम लोग कहते हैं सी डॉट एफ यानी कि सी एफ बोलते हैं हम लोग ठीक है और कैसे फाइंड होता है वो देखिए जो ये लड़कों की संख्या है लड़कों की संख्या देखिए पहला दस है तो पहले दस हो जाएगा उसके बाद चार जोड़ेंगे तो दस चार सॉरी चौदह दस चौदह चौबीस हो जाएगा उसके बाद चौबीस में अठारह जोड़ेंगे बयालीस हो जाएगा बयालीस में बारह जोड़ेंगे आपका चौवन हो जाएगा चौवन में छह जोड़ेंगे कितना साठ ठीक है ये टोटल आपका फाइंड हुआ है। ये जो आपका हम आम लोग का लास्ट में जो ये मान निकला हुआ है ये टोटल आपका योग है कि तो टोटल जो है कि लड़कों की संख्या कितनी है वही आपका नंबर इंडिकेट करता है कि नंबर जो है कि सम है या विषम है या यहाँ से जो आपका एफ है एफ को भी जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा साठ और ये आपका संचय बारम्बार्ता निकल गया तो बात ये हो गई आप सोच रहे होंगे आप लोग कि संचयी बारंबारता से क्या फाइन है? तो करते हैं तो संचयी बारंबारता उसमें हम लोग फाइन करते हैं यानी कि उससे संचयी बारंबारता से हम लोग निकालते हैं कि जिससे बीसवां पद दिया हो तो इसी से हम लोग फाइन करते हैं कि बीसवा पद किस के अंतर्गत आएगा और जो एक्स का मान है उसी में हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे यानी कि एक्स के मान से हम लोग पुट करेंगे और मिलाएंगे इससे ठीक है चलिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा देखिए नंबर ऑफ पदों की संख्या कितनी है साठ तो साठ सम है ना और क्या फाइन करना है आपको माध्यिका फाइन करना है ठीक है फ्रेंड्स अब क्या निकालना है माध्यिका निकालना है ना तो माध्यिका बराबर फार्मूला बनता है देखिए नंबर जब पदों की संख्या यानी कि संख्याएं है जो हैं कुल पदों की संख्या यदि सम हो ठीक है टोटल लड़के आपके कितने हैं साठ लड़के हैं ना तो साठ लड़के सम हुए कि नहीं हुए तो सम के लिए जो है कि माध्यिका के लिए फार्मूला होता है देखिए विषम के लिए पहले समझ लीजिए विषम के लिए होता है एन प्लस वन बाई टू पद ये किसके लिए है ये विषम के लिए है लेकिन हम लोग सम के लिए इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे और आप जो है कि नहीं देख पाए हैं डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है जाकर पहले उसको आप समझ लीजिए ताकि आपको विधो जो है कि समझ में आ जाए हर एक टॉपिक आपको समझ में आता रहे तो माधिका बराबर होता है क्या एन बाई टू वा पद देखिए ये फार्मूला है आपका हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में एन बाई टू प्लस वन वा पद ठीक है और डिवाइड बाई आपका क्या होता है टू फ्रेंड्स ठीक है डिवाइड बाई कितना फ्रेंड्स होता है ये आपका फार्मूला है किसके लिए फार्मूला है जब नंबर ऑफ यानी पदों की जो संख्या है आपका सम है तो आपके लड़के जो भी है लड़के कितने हैं तो साथ सम है तो सम के लिए माध्यिका बराबर ये फाइंड हुआ कि नहीं हुआ अब देखिए कैसे हम निकालेंगे बिल्कुल है ये सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है और ये आपको समझना है कैसे ये फाइन किया गया है अब यन बाई टू नंबर ऑफ साठ है ना चलिए हम लोग विस्तार से समझते हैं यन बाई टू वी प्लस साठ बाटा में दो प्लस वन ठीक है फ्रेंड्स अब बाटा में क्या दो यहां पर देखिए फ्रेंड्स दो से डिवाइड कर देंगे तो तीस होगा कि नहीं होगा तो आपको चेक क्या चाहिए तीसवा पद देखते हैं तीसवा पद किसके अंतर्गत आएगा प्लस इसको कटाएंगे तीस और एक, एक तीसवा पद चौथा तो पद पद इकतीसवां पद बाटा में कितना दो समझे कि नहीं समझे ठीक है समझ में आया आपको सिर्फ ये समझना है ग्राफ कैसे जो है कि बनाया गया है इस टाइप के अभी प्रश्न आएंगे ज्यादा जो है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का देखिए ये आपका आप हो गया अब एकतीसवा पद ठीक है अब देखिए देखते हैं कि एकतीसवा पद किसके अंतर्गत आएगा दस तो दस में इकतीस आएगा नहीं क्योंकि दस दस तक है ये चौबीस है लेकिन देखिए चौबीस के अंतर्गत ये आपका क्या क्या आ जाएंगे चौबीस के अंतर्गत आपका आएगा ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तक जो है चौबीस के अंतर्गत आएगा और चौबीस से आगे चौबीस से लेकर के जो बयालीस तक की जो संख्या होगी वहां पद यदि पूछता है चौबीस से लेकर के जो है बयालीस तक के वहां पद पूछता है जैसे आपका पूछ दिया कि पच्चीसवां पद छब्बीसवाँ पद जो है कि सत्ताईसवाँ पद तीसवां पद इकतीसवाँ पद बयालीसवाँ पद यदि पूछ दिया तो जो है कि बयालीस के अंतर्गत आएगा आपका जो है कि पच्चीस से लेकर के जो है कि बयालीस तक के जितने आपके नंबर होंगे वह आएंगे बयालीसवाँ बाया, में ठीक है किसके अंतर्गत आएंगे बयालीस के अंतर्गत आएंगे तो आपका तीसवाँ पद है ना तीसवां पद किसके अंतर्गत आएगा बयालीस के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि जो पच्चीस से लेकर के जितने होंगे बयालीस तक वो अस्वी सभी जो है कि बयालीस में आएंगे आइए आपका इंडिकेट के क्या चौबीसें तक सीमा है चौबीस से आगे बढ़ेगा नहीं आ ये बयालीस तक है तो यानी कि चौबीस से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कहाँ तक बयालीस तक जा सकते हैं ठीक है ये आपकी सीमा है इसका मतलब भी कि चौबीस से सॉरी पच्चीस से जब लेकर के हम लोग बयालीस तक चलेंगे तो उसमें तो एक तीस आएगा ही आएगा ना इसका तो इसका मतलब कि बयालीस के अंतर्गत आएगा तो बयालीस के अंतर्गत आएगा तो बयालीस के अंतर्गत आएगा तो तीसवा पद कितना मिला देखिए बयालीस के अंतर्गत कौन मिला है अब इसमें आप लोग देखेंगे किससे एक्स से देखेंगे जो आपका किलो भार किलोग्राम में जो है कि भार दिया गया है उससे हम लोग मिलाएंगे तो आपका तीसवां पद इसके अंतर्गत आ रहा है यानी कि तीसवां पद कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उनतालीस प्लस एक तीसवा पद इकतीसवां भी पद कितना होगा उनतालीस ही ना होगा क्योंकि इसी के अंतर्गत आएगा बाटा में क्या दो थीके? अब जरा और कुछ समझ लीजिए क्योंकि जब तक ये क्लियर होगा नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं देखिए हम दे दिए कि जैसे मान लीजिए भाई छप्पनवा पद ठीक है कौ था छप्पनवा ऐसे हमको पढ़ने में भी उल्टा लग रहा है पचपनवा पद कर लीजिए जैसे अंठावन पद यानी कि अंठावा पद अंठावन पद बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो अंठावन वाला जो पद है अंठावा पद जो है आप किसके अंतर्गत आएगा ये तो चौबीस तक की चौवन तक की सीमा है तो चौवन से आगे बढ़ेगा नहीं ये चौवन तक की सीमा दिया गया है लेकिन ये साठ है तो चौवन से लेकर कहां तक हम ले सकते हैं साठ के अंतर्गत तक ले सकते हैं यानी कि जो है अंठावनवा पद यदि बात की जाए तो किसके अंतर्गत आएगा साठ के अंतर्गत तो उसके लिए कितना रखेंगे इकतालीस रखेंगे वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको समझना भी है चलिए तो अब इसको हम ऐड करते हैं तो नौ नौ अठारह को हासिल एक हुआ तीन तीन कितना हुआ सात बाटा में कितना दो डिवाइड कर देंगे तो दो त्याई मिला लेंगे कहीं डिवाइड करने में गलत ना हो और दो त्याई छ हुआ हासिल एक गया अठारह हुआ और दुना हुआ अठारह यानी कि उनतालीस माध्यिका कितनी हो गई आपकी उनतालीस हो गई जो कि आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी कितना फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कर सकते हैं ना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा चलिए साथ में जो है घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जो है समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो फ्रेंड्स आप उम्मीद होगी कि जो है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि प्रश्न नंबर नौ की तरफ प्रश्न नंबर नौ में क्या करना है जरा देखिए तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर नौ को ठीक है प्रश्न नंबर नौ में आपको कुछ नहीं करना है इस टाइप का जो है क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं कह रहे हैं कि सत्रह प्रेक्षणों का माध्य मध्यमान जो है कि तीस है यदि प्रथम न प्रेक्षणों का मध्यमान जो है कि पैंतीस पैंतीस है तथा अंतिम न प्रेक्षणों का मध्यमान तेईस है तो नौवे प्रेक्षण का मान है आपसे पूछ रहे हैं नौवे प्रेक्षण का मान कितना है देखे सत्रह जो प्रेक्षण है सत्रह प्रेक्षण का जो है कि मध्यमान कितना है दोस्तों तीस है ना अब देखिए सत्रह प्रेक्षण का मध्यमान तीस है तो इनका योग देखते हैं तो यदि योग निकालते हैं तो योग हम लोग कुल कितना हो जाएगा सत्रह गुणे कितना तीस तो सतरहतिया इक्यावन सतरह कितना पांच सौ दस हो गया अब आगे करे कि नौ प्रेक्षणों का मध्यमान अब आगे दे रहा है कि नौ प्रेक्षणों का जो मध्यमान है अब कितना है पैंतीस है तो इनका देखते हैं नौ का योग देखते हैं कितना हो जाएगा नौ गुणे कितना पैंतीस तो नौ पचे पैंतालीस को पांच हासिल चार हुआ न तीस सत्ताईस सत्ताईस चार कितना हो जाएगा इकतीस यानी कि तीन सौ कितना हुआ पंद्रह हुआ ठीक है अब देखिए अंतिम नौ प्रेक्षणों का अंतिम कह रहा है कि नौ प्रेक्षणों का जो मध्यमान है अब कितना है तेईस है तो इनका योग देखते हैं कितना होता है योग आपका हो जाएगा नौ गुणे तेईस बराबर हो जाएगा नीस सत्ताईस को सात हासिल दो हुआ और दुनिया अठारह दो कितना हो जाएगा बीस ठीक है यानी कि ये देखिए ये टोटल आपके सत्रह जो है ना सत्रह का है और ये आपका जो है कि नौ प्रेक्षण का है और ये नौ अंतिम नौ प्रेक्षण का है और कह रहे कि नौवे जो है नौवे प्रेक्षण का जो है कि मान कितना होगा तो आपको सिंपल है इन दोनों नौ को जोड़ दिए दोनों जो है, है दोनों के योग में से अठारह वाला न, न, हो ना ना बड़ा होगा तो दोनों का योग कर दीजिए तो जो है कि इन दोनों का योग कर दीजिए योग करके सत्रह वाले में से क्या कर दीजिए घटा दीजिए कि टोटल योग की अठारह वालों में से सत्रह वाले प्रेक्षणों को क्या करेंगे घटा देंगे माइनस कर देंगे क्योंकि नौ अठारह हो जा रहा है ना तो अब देखिए कितना हो जाएगा तीन सौ पंद्रह सौ सात माइनस कर देना है किसको सत्रह वाले को क्योंकि एक परीक्षण बचेगा ना तो वही आपसे पूछ रहा है कि नौ परीक्षण का मान कितना होगा तो आपका हो जाए कितना सात पांच बारह को दो हासिल एक तो एक, एक दो इसके बाद तीन दो पांच ठीक है फ्रेंड्स अब माइनस कर देना है 510 तो बराबर हो जाएगा दो हो जाएगा दो में से घटेगा एक यानी कि नौवे प्रेक्षण का जो मान है कितना होगा आपका जो है कि 12 होगा क्लियर है तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है नौवे प्रेक्षण का मान जो है आपका बारह है क्लियर है दोस्तों चलिए ये आपका क्या रहा एंसर रहा ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन के दौरान अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे ये आपका नौवा था अब हम लोग देखते हैं क्या दसवा क्वेश्चन ठीक है उम्मीद होगी कि यह समझ में आ गया है कुछ नहीं करना था दोनों नौवे का निकाल करके दोनों को ऐड कर दीजिए और तो अठारह ना ना हो जा रहा है और दोनों का योग करके अठारह से जो सत्रह वाले पर छोड़ो का मान घटा दीजिए आसानी से निकल जाएगा नौवे का चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि दस की तरफ तो क्वेश्चन नंबर दस क्या है देखेंगे तो प्रश्न नंबर दस क्या है फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कह कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही आर क्रम में रख ही केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप ज्ञात की जाती है ठीक है करें कि यदि कोई भी आपका नंबर है उन नंबरों को यदि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो देखिए माध्य जब भी समांतर माध्य निकालते हैं तो यदि उनको आरोही या अवरोही क्रम में यदि नहीं लिखते हैं तभी आप जो है कि माध्य निकाल सकते हैं समांतर माध्य निकाल सकते हैं लेकिन जो आपका माधिका होती है जब तक अंकों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं लिखेंगे तब तक आपकी माध्यिका फाइंड नहीं हो पाएगी यानी कि आरोही और अवरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए तभी लिखेंगे जब हम क्या निकालना हो माध्यिका यदि फाइंड करना हो तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा अंकों को क्या ज्ञान करने के लिए निकल लिखा जाता है माध्यिका ठीक है ऑप्शन में दिया है समांतर माध्य तो आपका इनकरेक्ट है माध्यिका हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है क्या निकालने के लिए किया जाता है माध्यिका यदि हम लोग को माधिका निकालना हो तो माधिका निकालने के लिए आप जो है कि अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे या इससे समझ सकते हैं बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट है माधिका हम लोग फाइन करने के लिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह की तरफ ठीक है फ्रेंड्स समझ में आया ठीक है चलिए जब भी आप यदि आप नहीं लिखते हैं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में तो आप जो है कि माधिका नहीं निकाल पाएंगे भले ही आप जो है कि समांतर माध्य निकाल लें लेकिन माध्यिका नहीं निकाल सकते हैं चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह की तरफ करें कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध है माइनस दो माइनस तीन माइनस दो जीरो दो तीन पाँच 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 सात आठ नौ दस इसमें से करे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यदि हम लोग माध्य निकालते हैं माध्यिका निकालते हैं और बहुलक निकालेंगे कौन सा संबंध इसमें से सही है चलिए मैं लिखता हूँ माइनस तीन माइनस दो जीरो इसके बाद आपका दो तीन इसके बाद पाँच 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 और सात आठ नौ और क्या दस ठीक है फ्रेंड्स आपको संबंध किस में किस में निकालना है ज़रा समझ लीजिए माध्य में निकालना है माध्यान में निकालना है ठीक है और क्या निकालना है बहुलक ठीक है इन तीनों में आपको संबंध बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चलिए हम लोग संबंध ग्यारह निकालते हैं तो माध्य निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग एक दो कुल कितने पद हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पद है ना तो कुल पदों का योग तो माइनस प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस तो माइनस हो जाएगा प्लस जीरो प्लस दो और प्लस जो है तीन प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच और प्लस आपका कितना हो गया सात प्लस आठ प्लस कितना नौ प्लस कितना दस डिवाइड बाई कुल पदों की संख्या नंबर आप कितने हैं इसमें बारह क्लियर है आप लोग मिला लेंगे कहीं मिस्टेक ना हो लिखने में या ऐड भी करने में मिस्टेक ना हो ठीक है सभी को जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा कितना उनचास बाटा में कितना बारह और इसको हटाएंगे तो हो जाएगा चार दशमलव कितना आठ चास बटा में कितना बारह सभी को ऐड करके हम लोग देख सकते हैं ठीक है देखिए माइनस तीन माइनस पांच सॉरी माइनस तीन माइनस दो माइनस पाँच हो जाएगा ठीक है माइनस तीन माइनस दो माइनस पांच हुआ माइनस पांच से ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे माइनस पांच से पाँच कट जाएगा ना एक तो कट गया अब जोड़ दीजिए अब देखिए यहां से तीन दो पाँच 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 दस दस पाँच पंद्रह पंद्रह हुआ ठीक है दस नौ उन्नीस उन्नीस आठ उन, दस ना उन्नीस हुआ उन्नीस आठ कितना हुआ हुआ इसमें जोड़ दीजिए तो साथ साथ हुआ, और चौदह पाँच कितना हो जाएगा उन्नीस को ना हासिल कितना हुआ एक तो दो एक तीन और कितना चार अब कितना हुआ उनचास हुआ कि नहीं हुआ और बारह से डिवाइड करेंगे तो चार दस कितना हुआ आठ क्लियर हुआ फ्रेंड्स चलिए अब बात आई माधिका की क्या माधिका तो माध्यिका बराबर होता है क्या देखिए अपल नंबर देखिए पदों की संख्या सम आ, सम है ना तो सम के लिए आप लोग अभी पढ़े हैं ना सम के लिए एन बाई टू व पद प्लस एन बाई टू प्लस वन व पद पूरे का डिवाइड बाई कितना दो ठीक है तो एन बाई टू का मतलब बारह बाटा में दो हुआ कितना हो गया बारह में दो व पद ठीक है आप प्लस बारह में दो प्लस वन वा

समझे समांतर माधिका जो है कितना फाइंड हुआ पाँच। अब जरा हम लोग निकालते हैं क्या बहुलक तो बहुलक तो पता है ना किसे कहते हैं यदि कोई भी नंबर जो नंबर आपका अधिक बार आता है वही आपका क्या कहलाता है बहुलक तो बहुल से यहां तक हम लोग को देखने में मिल रहा है कि पांच ऐसी संख्या है जो एक से अधिक बार आई है यानी कि सबसे ज्यादा कौन अंक आया है पांच तीन बार आया है ना तो यानी कि बहुलक आपका कितना हो जाएगा तो बहुलक आपका कितना हो गया फ्रेंड्स पांच तो बहुलक कितना हो गया पांच लेकिन बहुलक और माध्यिका दोनों आपस में क्या है बराबर हैं लेकिन मध जो है कि माध्य बराबर नहीं है तो यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि माध्य नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है माध्यिका के किसके माध्यिका के लेकिन यही माध्यिका बराबर है किसके बहुलक के समझे ना

बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 है किसी कक्षा ए में 45 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य 40% है तथा 53 छात्रों की कक्षा बी में इनका जो है कि समांतर माध्य बोल सकते हैं ऐसे ठीक है 35% है तो ए तथा बी का समलित माध्य कितना होगा देखिए ए तथा बी का समलित माध्य आप निकालेंगे जितना परसेंटेज है जितने क्लासों का जितना परसेंटेज है उनका मल्टीप्लाई कराएंगे ठीक है दोनों को ऐड कर देंगे आप बाटा में जो है कि कक्षा में उपस्थित जो है जितने भी छात्र हैं उनका योग तो देखिए जो है कि ए में उनचास छात्र हैं इनका परसेंटेज है चालीस परसेंट प्लस बी में कितने छात्र हैं तिरपन छात्र हैं और इनका परसेंटेज है कितना आपका पैंतीस परसेंटेज आप बाटा में कितना छात्रों की कुल संख्या यानी कि उनचास धन कितना तिरपन इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको हो जाएगा उन्नीस सौ साठ आप प्लस इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो अठारह सौ हो जाएगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और यह आपका हो जाएगा 102 सौ दो यहाँ से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा पाँच हो जाएगा छः पाँच ग्यारह को एक हाँ से लेख हुआ नौ आठ सत्रह हुआ सत्रह के अठारह के एक हाँ से लेख हुआ एक एक दो और एक क्या तीन अब बटा में एक सौ दो और इसको डिवाइड करते हैं तो सैंतीस दशमलव चार परसेंटेज होगा या जीरो बढ़ा सकते हैं ठीक है चालीस परसेंट यानी कि सैंतीस दशमलव चार जीरो परसेंट या इसको हम लोग लिख सकते हैं सैंतीस दशमलव कितना चार परसेंटेज है, क्लियर है यानी कि ए और बी का जो है सम्मिलित यदि माध्य निकालते हैं तो सैंतीस दशमलव चार परसेंट ठीक है जो ऑप्शन आप नंबर आपका डी करेक्ट है ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है ठीक है ये आपका यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर बारह था आपका तेरह हो गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना था ये क्वेश्चन नंबर बारह था क्लियर है चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर तेरह को तो क्वेश्चन नंबर जो है कि तेरह में आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपका कह रहा है कि समांतर माध्य फाइंड कीजिए और माध्यिका निकालिए और उनका जो है कि अंतर कितना होगा आपको सिर्फ वही निकालना है ठीक है चलिए करें किसी व्यक्ति पर एक इंजेक्शन की प्रत, प्रतिक्रिया का समय क्रमशः जीरो दशमलव पाँच तीन जीरो दशमलव चार आठ चार पाँच ठीक है आपको प्रश्न दिख रहा है ठीक है आप लोग प्रश्न जो है कि देख लेंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जीरो दशमलव पाँच तीन है जीरो दशमलव चार पाँच है इसके बाद है जीरो दशमलव पाँच जीरो और इसके बाद है जीरो दशमलव चार नौ तो उनचास यानी बढ़ते क्रम में लिखना है ना तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे हम लोग तो पहले इसको मैं हटाता हूँ बढ़ते क्रम में आपका कौन सा है देखिए इसमें आपका जो है कि जीरो दसमलव चार दो ठीक है और इसके बाद है मैं बढ़ते क्रम में लिख दिया हूं ठीक है और यहां से आपका कह रहा है क्या प्रश्न कह रहा है कि इंजेक्शन जो है सेकेंड पाया गया यानी कि इतने सेकंडों में आपको लगाना है उस व्यक्ति को यदि व्यक्ति पर इंजेक्शन की प्रतिक्रिया की समांतर माध्य एवं आ, माधिका का क्या अंतर होगा आपको निकालना है कि समांतर माध्य और माधिका का जो है कि अंतर कितने का है ठीक है चलिए नंबर देखते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नंबर आप पदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स आठ है ठीक है नंबर आप कितने हैं आठ है ना अब देखिए तो माधिका क्या माधिका बराबर होता है एन बाई टूआ पद एन बाई पद एन बाई टू का मतलब आठ बाटा में दो करेंगे तो कितना चारवा पद चाहिए आपको ठीक है ना तो एन बाई टू का मतलब आठ बाटा में दो करेंगे कटाएंगे तो चार हो जाएगा चार और एक कितना पाँच यानी कि एक अंक बढ़ जाता है तो पांचवा पद अब आटा में क्या दो तो चारवा पद कितना है एक दो तीन चार जीरो दशमलव पाँच जीरो प्लस पांचवा पद कितना है जीरो दशमलव पाँच दो डिवाइड बाई दो इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा दो हो जाएगा और पांच पांच कितना हो जाएगा 10. अब कि दस पॉइंट दो अंक पे यानी एक दसमलो जीरो दो बटा में कितना दो तो दो पचे दस ठीक है 10. और दो पचे दस हो गया ये जीरो हो जाएगा ना जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा वन यानी जीरो दसमलो पांच सेकेंड इतना हुआ इसका जीरो दशमलव पांच एक सेकेंड हो गया माध्यम और बात करें हम लोग समांतर माध्य समांतर माध्य तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है कुल पदों का योग तो सभी को आप लोग ऐड करेंगे तो आपका मिलेगा कितना चार मिलेगा देखिए फ्रेंड्स सभी को आप लोग ऐड करके देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो लिखने में समय लगेगा और जोड़ने में भी समय लगेगा तो आप लोग जो भी जोड़ सकते हैं तो यह योग करेंगे सभी का योग आपका चार हो जाएगा बांटा में कितना हो जाएगा आठ पदों की संख्या कितनी है आठ और यदि आपका डिवाइड हो जाए जीरो दशमलव कितना पाँच जीरो क्या सेकेंड ठीक है यहां पर आप जोड़कर भी देख सकते हैं और देखिए इतना सेकेंड हुआ और दोनों का क्या अंतर तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या समांतर समांतर माध्य माधिका है ना पहले माधिका माइनस समांतर माध्य तो माधिका आपकी कितनी है माधिका आपकी है जीरो पॉइंट फाइव वन और माइनस समांतर माधिक कितना है जीरो पॉइंट फाइव जीरो और दोनों का अंतर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड यानी कि इतना सेकेंड का क्या है दोनों के बीच अंतर है क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी करेक्ट है जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड ऑप्शन नंबर क्या डी ये आपका क्या है करेक्ट क्लियर है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह की तरफ क्वेश्चन नंबर चौदह क्या है आप लोग देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौदह में, में आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपका योग निकालना है जितना आपका दिया है उसका अंतर निकालना है जितना आपका जो है कि अंतर हो रहा है उसको जो है कि पूरे योग में से घटा करके औसत यानी कि सही औसत आपको फाइंड करना है क्लियर है चलिए नहीं क्लियर है तो मैं क्लियर कर देता हूँ करें कि यम छात्रों की एक कक्षा अच्छा के प्रति छात्रों का औसत अंक यन पाया गया सत्यापन यानी सत्यापन के पश्चात दो छात्रों के अंकों में त्रुटि पाई गई त्रुटि निवारण के उपरांत एक छात्र में पांच अंक बढ़े जबकि दूसरे छात्र में सात अंक बढ़ गए सात अंक कम हुए तो सभी सात सभी औसत अंक होंगे यानी कि आपसे पूछा सही जो है औसत अंक कितना होगा देखिएगा कह रहा है कि एम एम छात्रों का जो है कि औसत अंक एन है तो एम जो छात्र हैं इनका जो है कि औसत कितना है एन तो इनका योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स योग हो जाएगा एम गुणे कितना एन बराबर क्या एम एन योग हो गया अंतर पाया गया पहले में दो दूसरे में कितना सात कम पाया गया ना तो दोनों का जरा हम लोग अंतर निकालते हैं त्रुटि अंतर आप लोग बोल सकते हैं ऐसे तो आपका त्रुटि योग ऐसे बोल सकते हैं त्रुटि योग तो त्रुटि योग आपका कितना हो जाएगा दो माइनस कितना सात त्रुटि योग नहीं त्रुटि खाली त्रुटि कितने का हुए हैं देखिए तो त्रुटि कितने के हुए अंकों में आपकी हो जाएगी गलत है क्या आपका दे रहा है पाँच अंक दे रहा है ना पहले में पाँच अंक दूसरे में इतना अंक घट जा रहा है ठीक है तो आपका कितना हो जाएगा कुल आपका हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा कितना दो तो माइनस दो आपके जो हो रहा है त्रुटि इसके बाद इतना आपका योग हो गया हो गया तो अब देखिएगा टोटल योग आपका एम है ना तो सही योग आपको क्या निकालना है सही योग देखते हैं कितना है आपका कुल योग एम एन था त्रुटि कितने की हुई माइनस टू की त्रुटि हो गई ना ठीक है गलती से आपका माइनस टू बढ़ गया है तो आप देखेंगे कि सही योग आपका कितना है ये माइनस टू गलती से माइनस टू अंक आपका बढ़ा हुआ है तो पूरा योग आपका इतना हो रहा है लेकिन माइनस टू आपका बढ़ चुका है तो आपका हो जाएगा एम माइनस क्या टू सही योग आपका होगा अंकों का एम एन माइनस क्या टू क्लियर है और सही औसत आपसे पूछ रहा है सही औसत तो सही औसत फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए कुल योग तो क्या टू सही मिला है बटा में छात्रों की संख्या कितनी थी एम यानी कि ये रहा क्या आपका एंसर समझ में आया क्लियर हुआ तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है एम माइनस टू बाई टू यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर क्या है बी आप करेक्ट है एम एन माइनस टू डिवाइड बाई क्या यानी कि सही औसत की बात की जाए तो सही औसत आपका हो जाएगा एम एन माइनस टू डिवाइड बाई कितना एम आपका जो है सही औसत होगा जिसमें से त्रुटि आपकी इतने की हुई थी टोटल आपका योग इतना हो रहा था त्रुटि इतने की हो रही थी और <coughs> सही योग यदि फाइंड किया जाए किया गया तो एम एन माइनस टू मिला सही योग सही योग आपका इतना होगा और औसत यानी सही औसत आपसे पूछ रहा है तो सही औसत बराबर हो जाएगा एम एन माइनस टू बाई क्या क्लियर है चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ ठीक है फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर पंद्रह में आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स सिर्फ जो है जितना भी हम लोग का त्रुटि हो रहा है ठीक है देखिए कि एक स्कूल में पंद्रह अध्यापकों के भारों का समांतर माध्याप का अंठावन किलोग्राम है अभिलिखित किया गया बाद में यह पाया गया कि एक अध्यापक जिसका वास्तविक भार सतासी किलोग्राम था लेकिन जो है कि अठहत्तर किलोग्राम अभिलिखित कर दिया गया वास्तविक समांतर माध्य था ठीक है अठहत्तर किलोग्राम का था लेकिन उसको जो है कि अभिलिखित कर कि 88, जो कितना सतासी किलोग्राम का था लेकिन अभिलिखित कर दिया कितना अठहत्तर किलोग्राम का तो देखिए त्रुटि कितने की हुई भार में त्रुटि तो भार में त्रुटि इसका भार कितना था सतासी था ना लेकिन अठहत्तर आपका जो है अभिलिखित कर दिया गया तो त्रुटि कितने की हो रही है आपका नौ किलोग्राम की क्या त्रुटि ठीक है अब देखिए नौ किलोग्राम का त्रुटि हो गया लेकिन वास्तविक समांतर माध्य की बात की जाए वास्तविक समांतर माध्य तो वास्तविक समांतर माध्य यदि निकालते हैं तो आपका समांतर माध्य पहले था कितना पचासी था प्लस त्रुटि कितने की हुई न की और कुल आपका अध्यापक कितने हैं पंद्रह ठीक है 15, इसके बाद हम लोग इसका डिवाइड यदि कर देते हैं तो अंठावन और आप प्लस आपका हो जाएगा जीरो दशमलव छः इसके बाद जोड़ते हैं तो अंठावन दशमलव कितना छ किलोग्राम यानी कि वास्तविक यदि समांतर माध्य माध्यफाइन किया जाए तो वास्तविक समांतर माध्य त्रुटि के बाद जो है कि वास्तविक समांतर माध्य आपका हो जाएगा अंठावन दशमलव कितना

के अनुसार आपका जो है कि बालक जो वजन दिया गया है आप लोग देख रहे हैं और बालकों के आ, बालकों की संख्या भी दी गई है और वजन भी उनका दिया गया है और पूछ रहा है कि बालकों के वजन के बंटन की मादिका होती आ, बंटन की मादिका होगी जो कि आपसे पूछा गया था दो में देखिए वजन हो गया बारंबारता मैं लिख दिया हूँ संचयी बारंबारता कैसे फाइंड करते हैं अभी जो है कि प्रश्न आया था ना संचयी बारंबारता जिससे हम लोग एक्स सी एफ बोलते हैं ठीक है संचयी बारंबारता देखिए तो ये आपका तो इतना दिया हुआ है वजन दिया गया है और क्या बारंबारता लेकिन हम लोग निकालना है संचयी बारंबारता बारंबारता कैसे को ऐड किया जाता है ना तो पहले दो है दो में तीन जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा पांच में चार जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा नौ में पांच जोड़ेंगे तो चौदह हो जाएगा ठीक है और चौदह में एक जोड़ेंगे तो कितना पंद्रह यानी कि नंबर ऑफ कितना मिला फ्रेंड्स पंद्रह आपका या इसको यदि हम लोग ऐड करते हैं तो पंद्रह मिलेगा वही आपका क्या काम करेगा नंबर का काम करेगा ठीक है पदों की संख्या यानी बालक ऐसे भी समझ सकते हैं बालक आपका टोटल कितने हैं पंद्रह है ना तो वही आपके नंबर हो गए कितने पंद्रह आपके टोटल नंबर हुए अब ये पूछ रहा है कि आपका मादिका कितनी है भाई पूछ रहा है कि बालकों के वजन के बंटन की मादिका होगी आपसे पूछ रहा है कि मादिका कितनी होगी अब देखिए नंबर ऑफ जो है कि पंद्रह है ना तो पंद्रह के लिए यदि मादिका की बात की जाए तो पंद्रह आपका सम है ना तो नंबर ऑफ जो पंद्रह है इसे कैपिटल भी कर सकते हैं इस्तेमाल भी कर सकते हैं ठीक है क्या है विषम संख्या तो बी, संख्या के लिए तो हम लोग देख चुके हैं ना कई सवाल और विषम संख्या के लिए फार्मूला होता है माधिका बराबर कि माधिका बराबर होता है फॉर्मूला एन प्लस वन बाई क्या टू वन प्लस वन बाई कितना टू पद की, की जाए तो माधिका बराबर यहां से हो जाएगा माधिका बराबर हो जाएगा एन प्लस वन नंबर ऑफ कितने हैं पंद्रह प्लस कितना वन डिवाइड बाई कितना दोवा पद और डिवाइड बाई पंद्रह कितना हो जाएगा सोलह बटा में दो पद। ठीक है और दो आठे सोलह यानी कि आपको कौन सा पद चाहिए आठवां पद तो आठवां पद अब तो अब तो देखना है कि बारम्बार्ता से मिलाना है संचय बारम्बार्ता से मिलाना है कि आठवां जो पद है किसके अंतर्गत आएगा देखिए इसमें दो है दो में तो आठवां इसके अंतर्गत आएगा नहीं पांच में भी आठवां आएगा नहीं नौ में आठवा आएगा देखिए कि पाँच से लेकर के न तक तो पाँच छः सात आठ ना यानी कि नौवा में आएगा किसके अंतर्गत आएगा नौवा पद के अंतर्गत आएगा तो नौवा पद के अंतर्गत कौन सा वजन है आपका पैंतीस किलो का वजन है तो आठवा यानी कि माध्यिका आपको कितनी हो जाएगी पैंतीस के जी ऐसे बोल सकते हैं यानी कि आपकी जो माध्यिका है फ्रेंड्स माध्यिका आपको कितना हो जाएगा पैंतीस किलोग्राम ठीक है ये क्या हो गया है 35 किलोग्राम यानी कि माधिका की बात की जाए तो मादिका आपका कितना हुआ 35 किलोग्राम ग्राम यदि फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि तेरह के अंतर्गत यानी तेरहवाँ पद तो तेरहवाँ पद अब किसके अंतर्गत आएगा चौदह के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा ये आपसे पूछा जाए कि सोलहवाँ पद तो सोलहवाँ पद आपका क्या किसी के अंतर्गत आएगा नहीं आएगा ना तो आपका यदि जो है कि पंद्रहवाँ भी पद पूछा जाए तो पंद्रहवाँ पद किसने ये पंद्रहवाँ तो है ही है और तेरवा पूछा जाएगा तेरावा चौदह में आ जाएगा चौदह के लिए आपका छत्तीस किलोग्राम का काम करेगा पंद्रहवां पूछता है तो पंद्रह के लिए कितना सैंतीस किलोग्राम का लेकिन आपका आठवां पद है तो आठवां पद किसके अंतर्गत न के आ रहा है अंतर्गत तो इसका मतलब कि के अंतर्गत कितने किलोग्राम का है पैंतीस किलोग्राम है यानी कि ये आपका माध्यम हुआ पैंतीस किलोग्राम जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है पैंतीस किलोग्राम ऑप्शन नंबर बी ठीक है ये रहा आपका क्या ऑप्शन नंबर बी ठीक है इतना बुक हुआ तो आपको वीडियो कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा साथ में आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय